श्रीलंका के खिलाफ रिंकू सिंह का आया तूफान, ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी, तो वहीं सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिंकू सिंह की आक्रमण और विस्फोटक बल्लेबाजी, सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाएंगे। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए चैनल पर। अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस श्रीलंका के बीच फर्स्ट टी20 सीरीज के मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो काफी ज्यादा गलत और खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि यशस्वी जायसवाल 6, सुमन गिल 4, ऋतुराज गायकवाड़ 9 तो अभिषेक शर्मा 21 रन बनाकर के आउट हो गए। 4 ओवर तक भारतीय टीम की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, लेकिन मैदान पर एक तूफानी विस्फोटक ऐसा बल्लेबाज था जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम था रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ने मैदान पर 7वें ओवर में आते ही 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के ठोक दिए। रिंकू सिंह वो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है जो आक्रमण और विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहा था। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर के तूफानी विस्फोटक अंदाज में श्रीलंका के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। श्रीलंका के गेंदबाज भारतीय टीम के 4 ओवरों के भीतर 4 बल्लेबाजों को आउट करके काफी ज्यादा खुश थे और खुशी से उछल रहे थे। शायद उन्हें लग रहा था कि भारतीय टीम 100 रन भी पूरे नहीं कर पाएगी, लेकिन रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कोहराम ला दिया। सूर्य कुमार यादव ने 12वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए, तो वहीं तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने 15वें ओवर की 6 गेंदों पर फिर 6 छक्के ठोक दिए। रिंकू सिंह का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू सिंह आक्रमण और विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा रहे थे। रिंकू सिंह ने 22 गेंदों के भीतर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 148 रन ठोक दिए और अभी भी तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। रिंकू सिंह ने 20वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके फिर ठोक दिए। रिंकू सिंह ने 18 छक्के मार दिए, जिसको देख करके क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह खड़े होकर के सलाम ठोकने लगे। सूर्य कुमार यादव ने यहां पर 142 रन ठोक दिए, 148 रन रिंकू सिंह ने ठोक दिए, जहां पर भारतीय टीम ने पहला टी20 सीरीज का मुकाबला जो है श्रीलंका की टीम के जबड़े से खींच लिया और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में जीत हासिल की। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।